आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ टेक्नो गेमर्स का बिगेस्ट स्टैचू, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट में। ये स्टैचू पूरे हाइट लिमिट को टच करता है और इसे बनाने में मुझे 50,000 से भी ज्यादा ब्लॉक्स लगे हैं। सबसे पहले तो मैंने टेक्नो गेमर्स की मस्त सी पिक डाउनलोड की, फिर बैकग्राउंड रिमूव करके पिक्सल आर्ट जनरेटर में डाला और अब मैं बनाऊंगा इस पूरी पिक को हार्डकोर मोड में। लेकिन कैसे, तो इस वीडियो को हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज में मेरा गोल है इलाइट्रा, सिल्कर बॉक्स और डायमंड टूल्स लाना। सेकंड फेज में मैं कलेक्ट करूंगा इस पिक को बनाने के सभी मटेरियल्स एंड लास्ट एंड फाइनल फेज में मैं बिल्ड करूंगा टेक्नो गेमर्स को। सो एंजॉय द वीडियो। मैं गए जंगल बायोम में और जंगल बायोम स्पीड रन करने के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है, फिर भी मैंने इसी वर्ड को कंटिन्यू रखा। मैंने वहाँ से कुछ वुड काट कर वुडन टूल्स बनाए और मेलन्स कलेक्ट किए। आगे चल के मुझे एक बहुत ही बड़ी केव मिली जहाँ से मैंने कुछ रिसोर्सेज माइन किया। केव के जस्ट नीचे मुझे एक और केव मिली जहाँ पर लावा भी था, तो मैंने नेदर पोर्टल बना दिया। पोर्टल के पास में मुझे एक बेसन मिला जहाँ से गोल्ड कलेक्ट करके मैंने पीलिन को दे दिया। पीलिन से ट्रेड करके मुझे इनफ पर्ल मिल गई, तो फिर मैं चला गया नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने। ग्लेजरोड कलेक्ट करने के बाद मैंने वहाँ पास में नेदर पोर्टल बनाया क्योंकि मुझे सुगर केन गन पाउडर चाहिए थे रॉकेट बनाने के लिए। साथ ही मैंने वहाँ की सिप से वूल कलेक्ट की। देन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैं आ गया स्ट्रॉन्ग होल्ड और वहाँ पर एक बेड लगा के मैंने अपना स्पॉन पॉइंट सेट किया ताकि एंड से सीधा मैं यही पर टेलीपोर्ट आऊँ। फिर एंड पहुँच कर मैंने मार दिया ड्रैगन को। ड्रैगन को मारने के बाद मैंने एंड सिटीज पर रेड की ताकि मेरे फेज 1 के गोल कंप्लीट हो सके। एंड फाइनली गाइज फेज 1 के सभी गोल कंप्लीट हो गई। अभी हमारे पास डायमंड आर्मर है, डायमंड टूल्स है, इलाइट्रा है और सल्कर बॉक्स भी है। एक्चुअली मेरे पास ये आर्मर ट्रिम्स भी है जो मुझे एंड सिटीज में मिले थे, क्यों ना मैं इसे अपने आर्मर पर लगा दूं। डे 3 को मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड की लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट की और ओवरलोड आकर एन्चेंटिंग टेबल सेट की और अपने टूल्स को एन्चेंट किया और कुछ इस तरह से फेज 1 कंप्लीट हो गया। तो टेक्नो गेमर्स की पिक बनाने के लिए मैं बहुत सारे ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले इजी ब्लॉक कलेक्ट करेंगे एंड देन हार्ड ब्लॉक्स। और इजी ब्लॉक्स में कुछ ग्रेविटी ब्लॉक जैसे कि 7000 ब्लैक कॉन्क्रीट पाउडर, 2000 ब्लैक कॉन्क्रीट, 1000 प्लस ग्रे कॉन्क्रीट एंड 100 प्लस लाइट ग्रे कॉन्क्रीट पाउडर। तो डे 4 को मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ सैंड ड्यूपर बनाने का सामान। डे 5 को मैं पहुंचता हूं अपने एंड पोर्टल पर और सैंड ड्यूपर बनाने लग जाता हूं। सैंड ड्यूपर के साथ ही मैंने एक कॉन्क्रीट मेकर भी बनाया ताकि वहां साथ ही मैं कॉन्क्रीट भी बना सकूं। देन 5 डेज तक एफ के होने के बाद मैंने सभी कॉन्क्रीट ब्लॉक कलेक्ट कर लिए, लेकिन इन ब्लॉक्स को कैरी करने के लिए मेरे पास सल्कर बॉक्स नहीं थे, तो मैं वापस पहुंचा एंड सिटी और सल्कर बॉक्स लेके आया। ये होगी गाइज हमारी स्टोरेज वाली जगह जहां हम सभी ब्लॉक्स को रखेंगे, वो भी डाई करके। डे 13 को मैं गया नेदर जहां मुझे एक और बेसन मिला। वहां के सारे गोल्ड को माइन करके मैंने पिगलिन से ट्रेड की क्योंकि अब मुझे चाहिए थे ब्लैक स्टोन, वो भी डिफरेंट टाइप के। पिगलिन से ट्रेड करने पर भी मुझे 2-3 स्टेक ही मिले और मुझे कोई 5000 से भी ज्यादा ब्लॉक चाहिए थे, तो मैंने अपनी पिकेक्स पकड़ी और बेसन को डिस्ट्रॉय करने लग गया। तो गेम बजाना पड़ेगा।
फाइनली 2 घंटे तक माइनिंग करने के बाद हमारे पास सभी टाइप के ब्लैकस्टोन ब्लॉक आ चुके थे और रेड डाई करके मैंने उन्हें स्टोरेज चेस्ट में रख दिया। डेट इनको मैं अपनी फर्स्ट केव में और वहां से मैंने रेडस्टोन, डायमंड और आयरन माइन किया। अब नेक्स्ट जो ब्लॉक हमें चाहिए वो है वूल। हमें 3000 ब्लैक वूल, 200 प्लस लाइट ग्रे वूल और कुछ ब्राउन और पिंक वूल चाहिए। अब वूल हम दो टाइप से ले सकते हैं, नॉर्मली शिप्स को शेयर करके या फिर ऑटोमेटिक फार्म्स के थ्रू। अब नॉर्मली अगर मैं शिप्स को शेयर करूंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बनाने वाला हूँ एक सिंपल वूल फार्म। डे 21 को मैं अपनी मेन ग्रुप बायोम में और वहाँ की फ्रॉक्स को मैंने ब्रीड करवाया, क्योंकि अब हमें चाहिए 800 से भी ज्यादा येलो फ्रॉग लाइट। फ्रॉक्स को ब्रीड करवाने के बाद मैंने फ्रॉग लाइट फार्म बनाने का सामान कलेक्ट किया। और तब तक टेडपुल भी आ गए। उन्हें बकेट में कैप्चर करने के बाद मैं पहुंचा बेसल्ट डाल्टो बायोम और वहाँ पर एक नेदर पोर्टल बनाया। फिर ओवरलोड पहुंचकर मैंने टेडपुल को ग्रो करवाया, साथ ही वहां की एक केव से मैंने बहुत सारा आयरन माइन किया ताकि मैं आयरन गोलम बना सकूं। डे 25 को मैं लग गया फ्रॉग लाइट फार्म बनाने। 10 मिनट तक एएफके होने के बाद मुझे इनफ फ्रॉग लाइट मिल गई तो मैंने उन्हें येलो डाई करके स्टोरेज चेस्ट में रख दिया। ये सब तो इजी ब्लॉक थे जो हमें एएफके फार्म से मिल गए, लेकिन अब जो मैं ब्लॉक कलेक्ट करूंगा वो बहुत ही ज्यादा हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग है। हार्ड ब्लॉक्स की लिस्ट में सबसे पहले आती है गाइस वुड, और सभी वुड को टोटल करें तो हमें 4000 से भी ज्यादा वुड चाहिए, और अगर मैं एक से माइन करने लगा तो ना जाने कितने दिन बीत जाएंगे। तो इसीलिए मैं बनाने वाला हूं एक ऑटोमेटिक वुड फार्म। डे 27 को मैं कलेक्ट करने लग गया वुड फार्म बनाने की रिसोर्सेज लाइक होपर, रिपीटर, रेडस्टोन, गन पाउडर और स्कैफोल्डिंग। फार्म बनाने के सारे रिसोर्सेस लेके मैं पहुंचा अपने वूल फार्म पर। मैं वुड फार्म को इसी के पास बनाने वाला हूं ताकि ये भी वर्क करती रहे। वुड फार्म बनाने के साथ ही मैंने एक मशरूम फार्म भी बनाया स्टीम ब्लॉक्स के लिए। अब ये फार्म मैंने बना तो दिए, लेकिन इन्हें चलाने के लिए मुझे चाहिए बोन मिल, और अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन मुझे 20,000 बोन मिल चाहिए और 50,000 बोन मिल मुझे एक और ब्लॉक के लिए चाहिए। उस ब्लॉक के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो इतने सारे बोन मिल के लिए मैं बनाने वाला हूं एक विदर स्केल फार्म। एक विदर स्केलेटन 2 बोन ड्रॉप करता है, जिससे हम लोग बोन मिल भी बना सकते हैं। सो लेट्स मेक अ विदर स्केलेटन फार्म। फार्म बनने के बाद 10 दिन तक मैंने उस फार्म में ग्राइंड किया, जिससे मुझे 400 विदर स्कल और 3 फुल सल्कर बॉक्स ऑफ बोन ब्लॉक मिल गए। डे 42 को मैंने सभी वुड की सेपलिंग कलेक्ट की और बोन मिल डाल के वुड फार्म को एक्टिवेट किया। फर्स्ट टाइम तो सही तरह से मुझे इस फार्म को यूज करना ही नहीं आया, जिससे मेरा आधा आर्मर डैमेज हो गया। खैर मैंने अपने डायमंड वेस्ट करके उसे रिपेयर किया और फिर सही तरह से फार्म को यूज किया। ओके, तो मैंने सभी वुड के टाइप कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास फिर से सल्कर बॉक्स खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब मुझे वापस एंड सिटी जाना होगा और सल्कर बॉक्स लाने होंगे। इस बार मैं थोड़े ज्यादा सल्कर बॉक्स लाऊंगा। तो जिस ब्लॉक को बनाने में मुझे 50,000 बोन मिल चाहिए वो है टारगेट ब्लॉक। हमें टोटल 1,852 टारगेट ब्लॉक चाहिए। अब एक टारगेट ब्लॉक 4 रेडस्टोन डस्ट और एक हेबेल से बनता है, और एक हेबेल 9 वीट से बनती है। इन सबको कैलकुलेट करें तो हमें 16,668 वीट और 7,408 रेडस्टोन डस्ट चाहिए। यह सब इतना सारा सामान चाहिए, वो भी सिर्फ एक टारगेट ब्लॉक के लिए। डे 52 को मैंने अपनी सभी पिकेक्स को रिपेयर किया, क्योंकि मैं जाने वाला हूं माइनिंग ट्रिप पर। हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के और ब्लॉक चाहिए, कुछ स्टोन से बनने वाले ब्लॉक्स और कुछ अंडरग्राउंड ब्लॉक्स भी चाहिए।
लिए। कॉपर तो मैंने बहुत ही इजीली कलेक्ट कर लिया। मुझे लगता है रेडस्टोन से भी ज्यादा हमें आयरन ब्लॉक को बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक आयरन ब्लॉक 9 ओर को माइन करने के बाद बन रहा है। ओके सो स्मॉल अपडेट, 2 आवर की माइनिंग के बाद मुझे इतने मटेरियल मिले और एक बार डायमंड्स देखो हमारे पास। और मैंने सही कहा था, आयरन ब्लॉक को बनाने में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। मुझे इस प्रोसेस को स्पीड से करना होगा, क्योंकि अभी 50% ब्लॉक भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो 10 डेज तक माइनिंग करने के बाद मैंने सभी केव ब्लॉक कलेक्ट कर लिए हैं। एज यू कैन सी, अब बारी आ चुकी है टारगेट ब्लॉक बनाने की। तो हे बेल के लिए मैं कोई जायंट वीट फार्म नहीं बनाने वाला, इसके लिए मैं एक ऑटोमेट ओके तो मैंने छोटा सा वीट फार्म बनाया है। इन चेस्ट के अंदर मुझे डालना होगा बोन मिल को और इस लीवर को क्लिक करते ही हमारा फार्म एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे बस सीड पकड़कर राइट क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली मुझे वीट देता रहेगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं टारगेट ब्लॉक बनाने के बाद। नेक्स्ट जो ब्लॉक हमें चाहिए वो है टेराकोटा और बेडलैंड्स बायोम। मुझे माइनिंग करते वक्त मिल गई थी, तो मैं गया बेडलैंड्स बायोम और टेराकोटा माइन किया। साथ ही मैंने कुछ डेड कोरल ब्लॉक्स और कुछ डर्ट ब्लॉक माइन किए। एंड फाइनली आफ्टर 75 डेज मैंने सभी टाइप के ब्लॉक कलेक्ट कर लिए। ब्लॉक कलेक्ट करने में इतना टाइम लग गया, पता नहीं बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये गाइस हमारा बेस और इस जगह पर मैं बनाऊंगा टेक्नो गेमर्स को। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक लाइन खींचनी होगी जिस पर मैं पिक को बनाऊंगा। ओके तो मैंने एक नहीं बल्कि 2 लाइन बना दी है और साथ ही सेल्कर बॉक्स रखने के लिए छोटा सा एरिया। मैंने 2 लाइन इसलिए बनाई है ताकि एक पर टेक्नो गेमर्स बने और एक पर मैं खड़ा रहूं। अब बनाना शुरू करते हैं टेक्नो गेमर्स को। ऑलराइट गाइस, तो टेक्नो गेमर्स की हाफ टी शर्ट बन गई है और इसे बनाने मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर लगे हैं और अभी इससे भी 5 गुना ज्यादा काम बाकी है। खैर लगते हैं काम पर, क्योंकि इतना बना दिया तो बाकी बना ही देंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने टेक्नो गेमर्स की टी शर्ट और उनके आर्म्स कंप्लीट कर दिए हैं और आई थिंक ये पार्ट सबसे इजी था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी इन्वेंटरी में सिर्फ ब्लैक ब्लॉक ही थे। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा सीधा फुल पिक बनाने के बाद। ऑलराइट गाइस, तो मैंने टेक्नो गेमर्स की पिक बना दी है, क्या आप लोग देखने के लिए रेडी है? इन 3, 2, 1
I mean, अभी थोड़ा काम बाकी है, जैसे कि वो सारी डर्ट ब्लॉक हटानी है और उन मशरूम ब्लॉक्स को भी ठीक करना है और इन बचे कुछ ब्लॉक्स को भी फिल करना है। I mean, अभी 2-3 आवर का काम बाकी है। ऑल राइट गाइस, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने इस पूरी पिक को कंप्लीट कर दिया है और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। एंड वेट अ मिनट, ये पोर्टल यहाँ पर क्या कर रहा है? तो अब सब सही है। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इस पूरी पिक को बनाने मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक लग गए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं चलता हूँ एक और वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।